हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या खाद्य सुरक्षा की साइट है तो एक बार स्टार्ट हुई थी या फिर नहीं हुई थी, स्टार्ट हुई थी अगर किसी के आवेदन हुए या फिर नहीं हुए उसके साइट के बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। एनएफएसए की साइट के बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये साइट ई मित्रा के ऊपर एक बार लाइव हुई थी और सिर्फ ये 4-5 घंटों के लिए ही लाइव हुई थी। इसके अंदर किसी के भी आवेदन नहीं किए गए थे, कोई भी इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाया था क्योंकि ये साइट सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जब एप्लीकेशन के अंदर जाके एनएफएसए लिख के टाइप करके इंटर की प्रेस करते थे, आप नेक्स्ट बटन पे ओके करते थे, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे आप एनएफएसए टाइप करते थे तो आपके सामने इस प्रकार का एक है जो ऑप्शन आ जाता था एनएफएसए का फॉर्म फिल करने के लिए। जैसे ही आप इस लिंक पे ओके करते तो या तो पेज में एरर आ जाती थी या फिर पेज है जो आगे रीलोड नहीं हो पाता था, जिस कारण से आप है जो इसका आवेदन नहीं कर सकते थे, आप इसका आवेदन नहीं कर पाए थे और किसी ने भी इसका आवेदन नहीं किया था। बहुत से चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि एनएफएसए के फॉर्म है जो स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाई है वो वीडियो आप गौर से देखना। मैंने उस वीडियो के अंदर आपको यह बताया है कि आप ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका नहीं बताया है। शुरुआत में भी यही बात हुई थी कि राशन कार्ड के अंदर नाम एड होना स्टार्ट हो गए थे, जो राशन कार्ड एनएफएसए में जुड़े हुए थे उन राशन कार्ड के अंदर 1 या फिर 2 घंटे के लिए ये सर्विस लाइव हुई थी कि जो राशन कार्ड एनएफएसए में जुड़े हुए हैं या फिर खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, चाहे एपीएल है, चाहे बीपीएल है, चाहे स्टेट बीपीएल है, उन राशन कार्ड के अंतर्गत नाम ऐड हुए थे दोस्तों, 100% नाम ऐड हुए थे, लेकिन उसके बाद में वो सर्विस वापस बंद कर दी गई थी। सेम टू सेम वही प्रोसेस अभी हुई है। खाद्य सुरक्षा की एक बार साइट लाइव हुई थी लेकिन इसमें कोई भी आवेदन नहीं कर पाया था क्योंकि इसमें पेज में आगे एरर आ जाती थी। दोस्तों, आपको तब तक किसी भी पेज पे यकीन नहीं करना, किसी भी साइट पे यकीन नहीं करना, या फिर आप कोई भी साइट किसी को बता रहे हो, ई मित्र के ऊपर कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए। जैसे आप ई मित्र लॉगिन करते हो, लॉगिन करते ही आपको एक नोटिफिकेशन का पेज देखने को मिलता है, उस पेज के अंदर जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक कोई भी बात पे आप विश्वास मत कीजिए। आप जब लॉगिन करोगे और उस पेज पे आपका जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एनएफएसए की साइट है जो वापस स्टार्ट कर दी गई है, तभी आप कस्टमर को बताएं, तभी आप आगे न्यूज़ है जो फॉरवर्ड करें, अन्यथा ऐसी कोई भी न्यूज़ फॉरवर्ड ना करें, ना कोई स्टेटस लगाएं, ना ही तो आप परेशान होते हो और साथ में दूसरे भी परेशान होते हैं, कस्टमर भी दुकान पे आते हैं बिना बात का, बिना कोई कारण पूछने के लिए कि खाद्य सुरक्षा फॉर्म स्टार्ट हो गए या फिर नहीं हो गए। तो अभी कस्टमर को भी पूरा पता नहीं चल रहा लेकिन उनको आधी अधूरी जानकारी मिली है कि एनएफएसए के फॉर्म स्टार्ट हो गए, खाद्य सुरक्षा के फॉर्म स्टार्ट हो गए। दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था लेकिन मेरे पास में बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉल आ रही थी कि क्या खाद्य सुरक्षा के फॉर्म सच में स्टार्ट हो गए, अगर सच में स्टार्ट हो गए तो हमारी आईडी से अप्लाई क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं सभी को बताना चाहता हूँ, खाद्य सुरक्षा के फॉर्म थोड़ी देर के लिए स्टार्ट होते, 3-4 घंटों के लिए ही स्टार्ट हुए थे लेकिन अभी वापस से बंद कर दिए गए हैं। हाँ, हो सकता है आगे आने वाले तो बहुत ही कम समय के अंदर ये सर्विस दोबारा से स्टार्ट कर दी जाए, लेकिन मेरे का जहाँ तक अनुमान है या फिर जहाँ तक अंदाजा है, ये सर्विस अभी स्टार्ट नहीं होगी। इस सर्विस को स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो राशन कार्ड एनएफएसए या फिर खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं उन राशन कार्ड में से नाम डिलीट हो जाएंगे, उसके बाद उन राशन कार्ड में नाम ऐड होना स्टार्ट होंगे, उन राशन कार्ड में नाम ऐड की लगभग पूरी प्रोसेस हो जाएगी, तब उसके बाद के अंदर है जो राशन कार्ड एनएफएसए में जुड़ना स्टार्ट होंगे। तो इसके लिए आपको लगभग 1.5-2 महीने का वेट करना होगा, 1.5-2 महीने के अंदर लगभग साइट है जो शुरू हो जाएगी, साइट स्टार्ट कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी अभी तक इसके आवेदन नहीं हो रहे हैं, ये बात मैं आपको दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ, अभी तक इसके आवेदन नहीं हो रहे। जैसे आप ई मित्रा के एप्लीकेशन वाले सेक्शन के अंदर एनएफएसए लिख के टाइप करोगे तो इस प्रकार से आपको नीचे पेज दिखाएगा, एनएफएसए के अंदर कोई भी पेज नहीं आएगा, कोई भी आगे आपको रिस्पॉन्स है जो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की नई नई ताजा जानकारियों के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।